आज हेलो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है न्यू बाइल सिस्टम ऑफ EMD लोकोमोटिव। सो टुडे आवर टॉपिक इज न्यू बाइल सिस्टम ऑफ EMD लोको। तो हम जानते हैं कि हमारा लोकोमोटिव एक IC इंजन है, यानी इसमें फ्यूल क्लोज चैम्बर में बर्न होता है और हमारे लोकोमोटिव में रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। तो इन रोटेटिंग पार्ट्स को वियर और टीयर से बचाने के लिए और साथ ही कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ल्यू बाइल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यानी ल्यू बाइल सिस्टम हमारा लोकोमोटिव में लुब्रिकेशन और कूलिंग दोनों पर्पज सॉल्व करता है। तो EMD लोकोमोटिव के ल्यू बाइल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो EMD लोकोमोटिव में जैसा है कि हम जानते हैं कि हमारे इस लोकोमोटिव में इंजन ब्लॉक का नीचे का हिस्सा इंजन बेस या इंजन सम्प कहलाता है। तो सम्प इंजन ब्लॉक का निचला हिस्सा जो कि सम्प होता है और यह सम्प हमारे ल्यूब आयल के लिए रिजर्वायर की तरह काम करता है। और इस EMD लोकोमोटिव में RR 606 ऑयल यूज किया जाता है जिसकी की कैपेसिटी 1457 लीटर होती है। तो ये सम इस लोकोमोटिव में ऑयल रिजर्वायर की तरह काम करता है। इस सम के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट असेंबली जुड़ी हुई है वो यहाँ पर जो यूनिट जुड़ी है ये कहलाती है ल्यूब आयल स्ट्रेनर। और ये ल्यूब आयल स्ट्रेनर जो है ये एल्यूमिनियम की कास्टिंग से बना होता है और इसके अंदर दो प्रकार के स्ट्रेनर या दो प्रकार की जालियां लगी होती हैं। एक हिस्सा जिसमें कि मोटी जाली अर्थात कोर्स स्ट्रेनर और दूसरा हिस्सा जिसमें महीन जाली या फाइन स्ट्रेनर। यानी ये हिस्सा जहाँ पर मोटी जाली है और ये हिस्सा जहाँ पर महीन जाली यानी फाइन स्ट्रेनर लगा होता है। तो इस लोकोमोटिव के ल्यूब आयल सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है? जो ये सम्प है, इस सम्प से जो हमारी मेन पाइप है वो इस कोर्स स्ट्रेनर में जुड़ी रहती है और इस कोर्स स्ट्रेनर से आगे जो पंप कनेक्टेड है वो पंप कहलाता है स्कवेंजिंग आयल पंप। यानी यह पंप जो है दिखाया गया है स्कवेंजिंग आयल पंप। और ये स्कवेंजिंग आयल पंप हमारे इस सम्प से आयल का सक्शन करता है
लेकिन थ्रू द कोर्स स्ट्रेनर, यानी इस ल्यूब वाली स्ट्रेनर के मोटी जाली वाले हिस्से से ये स्क्वंजिंग आल्पम ल्यूब आयल का सक्शन करता है। अब ये ऑयल कहाँ जाता है? ये ऑयल हमारे ल्यूब आयल फिल्टर की हाउसिंग में जाता है। तो ये जो ल्यूब आयल फिल्टर है, इस तरह से ड्रम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ल्यूब आयल फिल्टर है। और इस ल्यूब आयल फिल्टर में 10 पेपर टाइप एलिमेंट होते हैं। यानी इस ल्यूब आयल फिल्टर हाउसिंग में पेपर टाइप एलिमेंट का प्रयोग किया गया है, जो कि इस तरह से यहाँ पर 10 फिल्टर फिट होते हैं। यानी यहाँ पर एक इस तरह से दस फिल्टर हाउसिंग के अंदर एलिमेंट लगे होते हैं। और ये जो स्क्वेंजिंग आयल पंप ने ऑयल का सक्शन किया है, ये ऑयल स्क्वेंजिंग आयल पंप से ये निकल कर जाएगा इस फिल्टर हाउसिंग में। तो इस प्रकार से ऑयल फिल्टर हाउसिंग में पहुंचा, और इस फिल्टर हाउसिंग से ये तेल निकलने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर इस ऑयल का फिल्ट्रेशन हो जाता है। और अगर ये फिल्टर एलिमेंट चोक हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक बाईपास वाल, जैसे कि ल्यूब आयल सिस्टम फ्यूल आयल सिस्टम में होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बाईपास वाल और गेज दिया है। इस गेज में ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन बने रहते हैं। तो जब तक हमारी नीडल ग्रीन जोन में है, इसका मतलब कि ये फिल्टर ओके कंडीशन में है। और ये बाईपास वाल 40 PSI पर सेट रहता है, यानी इसके दोनों सिरों पर प्रेशर डिफरेंस 40 PSI होने पर ये बाईपास वाल का पैसेज ओपन हो जाएगा। अब ये फिल्टर से छना हुआ तेल ल्यूब आयल कूलर से गुजरता है। तो यहां पर इस तरह से ल्यूब आयल कूलर असेंबली लगाई गई है, और ल्यूब आयल कूलर में पानी के फ्लो द्वारा ल्यूब आयल को ठंडा किया जाता है। तो ल्यूब आयल कूलर में ये ल्यूब आयल ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद ये ल्यूब आयल इसी ल्यूब आयल स्ट्रेनर की
महीन जाली यानी फाइन स्टेनर वाली साइड पर पहुंचता है। तो ये ऑयल फाइन स्टेनर की साइड पहुंच गया और इसके साथ यहाँ पर दो ल्यूबाइल पंप लगे होते हैं। ये दोनों ल्यूबाइल पंप एक ही हाउसिंग में स्थित होते हैं, यानी ये दोनों पंप एक ही गियर द्वारा इनको ड्राइव मिलती है। तो इस पंप में दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा मेन ल्यूबाइल पंप और दूसरा हिस्सा पिस्टन कूलिंग पंप कहलाता है। तो इसके दो हिस्से हुए, जो साइड पहला साइड है पिस्टन कूलिंग पंप ये मेन ल्यूबाइल पंप के अंदर ही बना है और ये मेन ल्यूबाइल पंप ल्यूबाइल स्टेनर की फाइन जाली यानी महीन जाली वाली साइड से ल्यूबाइल का सक्शन करता है। तो पिस्टन कूलिंग पंप ल्यूबाइल स्टेनर की महीन जाली वाले साइड से ल्यूबाइल का सक्शन करता है और पिस्टन कूलिंग पंप का कार्य सिर्फ पिस्टन को ठंडा रखना होता है, जिसके लिए इंजन ब्लॉक में पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड अर्थात हेडर बने होते हैं। इस तरह से यहाँ ब्लॉक में दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड के लिए पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड बने रहते हैं। तो पिस्टन कूलिंग पंप का जो ऑयल है वो सिर्फ पिस्टन को ठंडा रखने के लिए होता है। तो ये हेडर या पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड इंजन ब्लॉक में बने होते हैं और इस मैनिफोल्ड के साथ 8 ओपनिंग दी रहती है और इन ओपनिंग के साथ पी पाइप लगा होता है। पी पाइप स्ट्रक्चर में इस प्रकार से होता है, तो ये पी पाइप इस पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड के साथ लगाया जाता है। इस पी पाइप से कंटिन्यूस ल्यूब ऑयल का स्प्रे होता रहता है। और जब पिस्टन अपने बिल्कुल निचली स्थिति में होता है तो ये पी पाइप पिस्टन को जस्ट मैच करता है। तो इस पाइप में आया हुआ तेल पिस्टन टॉप में पहुंच जाता है, क्योंकि पिस्टन के टॉप पर फ्यूल बर्न होता है, इसलिए इस पिस्टन को एफिशिएंट कूलिंग करने के लिए पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड और पिस्टन कूलिंग पंप का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट हिस्सा वो मेन ल्यूबाइल पंप कहलाता है। तो यानी इस पंप का जो दूसरा साइड है वो मेन ल्यूबाइल पंप कहलाता है और ये मेन ल्यूबाइल पंप इसी पिस्टन कूलिंग पंप के ही हाउसिंग में है। तो ये ऑयल मेन ल्यूबाइल मैनिफोल्ड में जाता है, यानी इसका ऑयल मेन ल्यूबाइल मैनिफोल्ड में जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक
रिलीफ वाल्व लगा होता है। ये रिलीफ वाल्व 125 PSI यानी 125 PSI पे सेट रहता है, यानी इस जगह यहाँ पर एक रिलीफ वाल्व दिया गया है। और यह 125 PSI पे सेट है। तो इस प्रकार से यह रिलीफ वाल्व इंजन में लोकोमोटिव में बाहर से विजिबल नहीं होता है, इसके लिए हमको उसकी हाउसिंग ओपन करनी पड़ती है। तो इस मेन लिबाइल मैनिफोल्ड का ऑयल हमारे क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है, यानी ये इसका बीच का हिस्सा जो इस ऑयल के मुख्य पोर्शन है वो क्रैंक शाफ्ट के लुब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये क्रैंक शाफ्ट यानी मेन बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग इत्यादि के लुब्रिकेशन में प्रयुक्त होता है। साथ ही इसका दूसरा सिरा लोकोमोटिव में दोनों साइड लगे हुए कैम शाफ्ट तथा कैम गियर को लुब्रिकेट करता है, यानी लोकोमोटिव में दोनों साइड कैम शाफ्ट तो ये ऑयल लोकोमोटिव की बोथ साइड कैम शाफ्ट को लुब्रिकेट करेगा। और साथ ही जो कैम गियर यानी इस जगह पर यहाँ पर ये कैम गियर ये इस साइड ना होकर के ये अपोजिट साइड में होगा, तो कैम शाफ्ट की इस सिरे पर ये कैम गियर को लुब्रिकेट करेगा। और इस कैम गियर के लुब्रिकेशन के साथ यहाँ पर जो भी कैम शाफ्ट के अंदर राइफल होल होता है तो कैम शाफ्ट की बेयरिंग्स यानी कैम बेयरिंग को लुब्रिकेट करेगा। और साथ ही ये रॉकर आर्म और वाल्व ब्रिजेस को भी लुब्रिकेट करता है। तो यहाँ से ल्यूब ऑयल की लाइंस यानी जंपर लाइंस दी गई होती हैं। अब ये जो ऑयल दूसरे साइड पर यानी इंजन के अदर एंड पे पहुँच गया, ये ऑयल टर्बो ल्यूब ऑयल फिल्टर में जाता है। तो यहाँ से एक कनेक्शन TSC ल्यूब ऑयल फिल्टर में दिया होता है, क्योंकि EMD लोकोमोटिव में आइडल से 6 नॉच तक टर्बो गियर ड्रिवेन होता है तथा उसके बाद यह एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है। तो यहाँ पर टर्बो को स्टार्टिंग से ही लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये टर्बो ल्यूब ऑयल फिल्टर के साथ यहाँ पर एक
इसके बाद ये लाइन में एक चेक वाल्व दिया गया होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक चेक वाल्व लगा होता है और चेक वाल्व के बाद यह लाइन लोकोमोटिव के दूसरे साइड जो स्थित होता है अर्थात वुडवर्ड गवर्नर तथा ईपीडी इंजन प्रोडक्शन डिवाइस को ये लाइन जाती है। तो वुडवर्ड गवर्नर पे अगर ऑयल का प्रेशर पर्याप्त है तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि हमारा ल्यूब ऑयल लोकोमोटिव के दूसरे साइड यानी टर्बो वाले साइड तक पहुंच रहा है। इसके बाद यहीं से ऑयल टीएससी की स्टब शाफ्ट यानी जिस पर टीएससी फिट होता है और आइडलर गियर नंबर 1-2 को भी जाता है। साथ ही ये ऑयल एजी ड्राइव गियर अर्थात ऑक्सिलरी जनरेटर को चलाने वाले गियर को भी ये लुब्रिकेट करता है। अब जैसा कि हमने बताया कि यह इस लोकोमोटिव में टर्बो स्टार्टिंग से ही रन करता है क्लच की सहायता से, तो ऐसी स्थिति में टर्बो का लुब्रिकेशन होना अनिवार्य होता है। तो इस पर्पज के लिए यहाँ पर एक अलग से इलेक्ट्रिकली ड्रिवन पंप लगाया होता है जिसे टीएससी सोक बैक पंप कहते हैं। तो इस टीएससी सोक बैक पंप को किस प्रकार से लगाया गया है, ये टीएससी सोक बैक पंप की लाइन यहाँ पर एक पंप दिया गया है और ये पंप हमारा इस सम्प से ऑयल का सक्शन करता है और इसको कहते हैं सोक बैक पंप। और ये इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है यानी हमारे ब्रेकर ऑन करने से ये पंप चलेगा। और इस टीएससी सोक बैक पंप के साथ एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है जिसे सोक बैक फिल्टर कहते हैं। तो ये पंप से जो ऑयल का सक्शन हुआ वो इस सोक बैक फिल्टर से फिल्टर्ड हो जाता है और इसके साथ में एक चेक वाल्व दिया रहता है जिससे कि इस फिल्टर से ऑयल टर्बो में जा तो सकता है लेकिन वापस टर्बो से ऑयल इसमें नहीं आएगा। तो नहीं, यहाँ पर एक चेक वाल्व लगा होता है। तो जब इस लोकोमोटिव में हम लोकोमोटिव को स्टार्ट करते हैं यानी ब्रेकर को ऑन करेंगे, जब ब्रेकर्स को ऑन करते हैं तो इसके साथ TLPM टर्बो ल्यूब ऑयल प्राइमिंग मोटर ये ऑन हो जाती है और ये 15 मिनट तक लोकोमोटिव के स्टार्टिंग से पहले टर्बो को लुब्रिकेट करती है जिसे टर्बो का प्री लुब्रिकेशन करते हैं। जब डिस्प्ले पर टाइमर की रीडिंग 0 होती है इसके बाद ही हम लोकोमोटिव को क्रैंक कर सकते हैं यानी कि लोकोमोटिव को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह
ईएमडी लोकोमोटिव का ल्यू बाल सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है? हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हम इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये सम्प में जो है ऑयल, सम्प का ऑयल ये इस टर्बो इस ल्यूबाल स्ट्रेनर की कोर्स स्ट्रेनर यानी मोटी जाली वाली हिस्से से गुजरता है, जिसके बाद यह इस क्वेंजिंग ऑयल पंप पे जाता है। इस क्वेंजिंग ऑयल पंप से यह तेल आगे बढ़ता है और फिल्टर हाउसिंग यानी ल्यूब ऑयल फिल्टर में जाता है। ल्यूब ऑयल फिल्टर से ये ऑयल आगे बढ़ता है और ये छना हुआ तेल ल्यूब ऑयल कूलर में ठंडा होता है। ल्यूब ऑयल कूलर में ठंडा होने के उपरांत यह तेल वापस से ल्यूब ऑयल फिल्टर की फाइन यानी महीन जाली की साइड आता है। इस फाइन स्ट्रेनर से यह ऑयल पिस्टन कूलिंग पंप तथा मेन ल्यूब ऑयल पंप के इनलेट साइड पे पहुंचता है। पिस्टन कूलिंग पंप का डिस्चार्ज साइड पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड पर जुड़ा होता है और यह पिस्टन कूलिंग मैनिफोल्ड में गया हुआ तेल पी पाइप से निकलकर पिस्टनों को ठंडा करता हुआ वापस सम्प में ड्रेन हो जाता है। इसी के साथ मेन ल्यूब ऑयल मैनिफोल्ड में गया हुआ तेल एक रिलीफ वाल्व द्वारा सेट रहता है और ये आगे बढ़ता है, जहाँ से ये क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग को लुब्रिकेट कर सम्प में ड्रेन हो जाता है और इसकी दो अन्य शाखाएं लेफ्ट साइड तथा राइट साइड के कैम शाफ्ट अर्थात कैम बेयरिंग्स को लुब्रिकेट करती हैं और ल्यूब ऑयल की जंपर लाइन द्वारा रॉकर आर्म वाल्व ब्रिज इत्यादि में भी लुब्रिकेशन होता है तथा यह तेल वापस सम में ड्रेन हो जाता है। कैम शाफ्ट के दूसरे सिरे पर ये ऑयल कैम गियर्स को लुब्रिकेट करता है और ये ऑयल आगे बढ़ता हुआ टर्बो ल्यूब ऑयल फिल्टर से गुजरता है और टर्बो ल्यूब ऑयल फिल्टर के बाद एक चेक वाल्व से होता हुआ ये ऑयल टर्बो में पहुंचता है। यहाँ पे टीएससी का लुब्रिकेशन करता है तथा टीएससी की स्टेप शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है, आइडलर गियर नंबर 1 और 2 को लुब्रिकेट करता है और एक ब्रांच पाइप ऑक्सिलरी ड्राइव गियर को लुब्रिकेट करती है और यहीं से एक कनेक्शन इंजन प्रोटेक्शन डिवाइस ईपीडी तथा वुडवर्ड गवर्नर को जाती है। स्टार्टिंग से पहले लुब्रिकेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकली ड्रिवन सोक बैक पंप लगाया गया है और इस सोक बैक पंप के आगे सोक बैक फिल्टर लगा होता है, जहां से निकला हुआ तेल चेक वाल्व से होता हुआ टर्बो को लुब्रिकेट करता है और इस लोकोमोटिव में ल्यूब ऑयल का प्रेशर चेक करने के लिए इस फिल्टर यानी ल्यूब ऑयल फिल्टर के ड्रम पर यहां पर एक टेस्ट प्लग दिया गया होता है। इस टेस्ट प्लग में डिटैचेबल गेज लगाकर हम ल्यूब ऑयल सिस्टम का प्रेशर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।